आनंद उठाते ही तो शब्द गुरु वंदन से हालो विषय I'm
मेरे पिताजी का नाम है राजा तिलक चंद्र और मेरी माँ का नाम है रानी मैनावती और मेरी बहन का नाम है बीरमा। जो कि हमारे भाई और बहन के नाम से दुनिया संसार जाने जाते हैं कि भाई और बहन दोनों एक राजा तिलक चंद्र का सुपुत्र और सुपुत्री है। लेकिन जब भी मैं इस राज में गुजरता हूं तो मुझे सत्यवादी राजा गोपी चंद कहते संबोधित करता है। लेकिन ये क्या है, इस वक्त अपने दरबार की बात ही भूल गए। इस वक्त मैं चलता हूं अपने सिंह दरबार की ओर जहां की मेरा महामंत्र रहता है। बाकी खबरें स्वयं मैं अपने महामंत्र से पूछता हूं कि इस वक्त मेरे दरबार का राजपाट किस प्रकार से चल रहा है। मैं चलता हूं इस वक्त अपने सिंह दरबार की ओर। आओ चलिए जाने कंपक्त महामंत्री कहां रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ मालूम नहीं चलने देता है। लेकिन आज मैं अपने महामंत्र को वार लगाता हूं। फूल जहां भी होगा मेरे आवाज को सुनते ही सिद्ध ही सिंह दरबार में पेश हो जाएगा। मैं आवाज लगाता हूं अपने महामंत्र को हर से का कितना महामंत्री सुनो हमारी बात। महामंत्र का किस जगह हो महामंत्री सुनो हमारी बात। मैं तुम्हें हमारे भविष्य कुमार पेटिस मास्टर भविष्य कुमार, भविष्य कुमार तुम जा भी अपने साथ कहा जाओ। हलो हले हले उठा नहीं उठे बैठ हम नहीं उठी जबो
शुरू करेगा शुरू कर शुरू करेगा शुरू कर वाह भाई वाह हला डीजे सांसर बीजे पे उठा नहीं उठे थे तो हम ही उठे जबो हेलो हेलो राधो हेलो शुरू करेगा शुरू कर हेलो राजा जी हो दिल से लगाई हा राजा जी हो दिल से लगाई हा मैं कब से आके सिंगलाड़ में तुम्हें आवाज लगा रहा हो क्या हुआ हुआ क्या क्या उसका मालूम तू ये बड़ा मैं कब से आके सिंगलाड़ में तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ और तुम जो होड़ पीछे और मैथिली में गाती हुई थोड़ा इसका आवाज छोड़ता है ओ यही मछली पालने से नहीं इसलिए बता अभी ये जो सिंह दरबार किसने सजाया है महाराज दरबार मैंने सजाया है ये सिंगरवार तुमने सजाए हो लेकिन ये अपने दरबार में कोई अभ्यागत आएगा तो उसको बैठने के लिए क्या सोचे हो कुर्सी नहीं तो चौकी पे चौकी लगेगा चला गया ये बताओ आज जो इस रहपुरा में आए हो उस गांव का क्या नाम है बोचाही पूर्वी टोला और इस गांव में ये बताओ तुम आज लोगों को हंसाने के लिए आए हो और रुलाने के लिए हंसाने के लिए आए हैं तो फिर उसे क्यों मारा मारे छो ना हाँ अच्छा तो दर्द को बांटने के लिए तुम ऐसा कर लेकिन भाई साहब को प्यार से समझा दो कि स्टेज को छोड़कर नीचे बैठ जाएगा सभी को सूचना मिल रही आप लोग नीचे बैठ गए लेकिन महामंत्री ये बताए इतना सुंदर सिंह दरबार तो तुमने सजाए हो ये अपने दरबार में कोई अभ्यागत उसको उसको बैठने के लिए क्या सोचे हो जल सिंह ये बताओ क्या तुमको दिखाई नहीं देता है मुझे लगता है शायद तुम्हारे दिमागों में भूसा भरा हुआ है मैं अपने दरबार में चहल फिरता कर रही थी और तुम जो होड़े कमबख्त इतने तेजी से आया अभी मुझे लग जाता तो कहीं जगह तक जाता तो जगह छोड़ा देंगे ओ बाबू लो जगह छोड़ा इधर कहो
अब बैठो। हाय बैठो नो, देखो बुढ़वा टुक टुक घूल के ये एक तो कुर्सी को अपने सर पे उठा कर रखे हो और ऊपर से मुझे कहते हो बैठने के लिए। अरे कुर्सी को दरबार में नीचे लगाओगे तभी तो मैं बैठूंगा। अरे कुर्सी को नीचे दरबार में जमीन पे। हाँ पूर्वा फूच फूच करे। अरे समझदारी नहीं छोकी हो। क्या समझदार है महाराज, मैं मानता हूँ कि राज में हर बात को आप समझते हैं, समझते हैं। लेकिन कुर्सी के बारे में आपको जानकारी नहीं है। अरे क्या जानकारी है? मैं बताता हूँ। चल बताओ तो। फूच फूच काटा लूंगा महाराज इन्हीं कुर्सी के वास्ते। हाँ इन्हीं कुर्सी के वास्ते बिहार से राहुल गांधी हार गया बेचारा। हार गया। इन्हीं कुर्सी के वास्ते बिहार से राहुल गांधी हार गया। हाँ इन्हीं कुर्सी के वास्ते कितना गोली लगलो की रे लगलो छौ जे हो तुम लगलो की हो। अरे ये बुढ़वाक लागले छौ अठी। अरे मैं मानता हूँ कि इस कुर्सी के लिए बिहार से राहुल गांधी हार गया। हार गया लेकिन गोली बॉर्डर पे चलती है। चलती है ये फट्टा तुम तो हमारे तरफ क्यों चलाया? भाव छोड़ा दे को कहीं का। चुप जल्द से महामंत्री रखिए। अरे इसीलिए तो ये बीच में दूरी बना हुआ है। महाराज तबक बैठो ना। अरे नीचे लगाओगे तभी तो मैं बैठूंगा। ये मेरा प्राइवेट कुर्सी है। महामंत्री लेकिन महामंत्री सभी चीज तो ठीक है लेकिन कुर्सी कितना गंदी है। कुर्सी गंदी है उसे थोड़ा साफ कर दो। मैं तुम्हें सिंहासन साफ करने के लिए बोला बल्कि उस पर बैठ कर मजा लेने के लिए नहीं। कौन सा वस्तु से कुर्सी साफ कर रही है? बरस से। बरस से कहाँ है बरस? आज 2020 वाला। ये को कहीं का आज तुम्हारे डुप्लीकेट बरस को इस बोचाही ग्राम में तहस नहस कर दूंगा रे बेवकूफ कहीं। अरे लेकिन महामंत्री सभी चीज तो ठीक है। आज मुझे दरबार में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। उसको बैठा उम्र पूरा हो चुका है उसका। महाराज आपको दिल नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल मेरा मन उदास है। चलो फिल्म देखे वो। हाँ? फिल्म तुरा दिल नहीं लगा बहला कहीं का। अरे इसका मतलब हुआ कि आज अपने दरबार में एक गाने वाली के बगैर मुझे दिल उदास है। हेलो ये बुढ़वा 4 बजे भोर में बताओ कहां से दिल लगी ले ओकरा भो। महाराज ये सब बातें छोड़िए और आगे की बात बताइए। तो महामंत्री क्योंकि समय का 4 बजने जा रहा है। मैं समझता हूँ सभी बातों को लेकिन महामंत्री इस वक्त तुम चले जाओ महल और महल से हमारी माँ को बुला के लेकर आओ। आज हम माँ से आदेश लेकर यहाँ से शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। जी महाराज विलम्ब मत करो। जैसी आप क्या क्या हो आप चल करके दरबार में बैठिए और राग सिंहासन पर नौरी उधर से गरम गरम चाय लेकर आएगी प्रिंस सौंप पिएते हो। ठीक है मैं चलता हूँ। शीघ्र ही हमारी माँ को बुलाओ। अच्छा ठीक है दोस्तों अभी अभी आपने कौन सुना हमारे महाराज जी का आदेश है कि हम जंगल की ओर चलेंगे और सबसे पहले
इस राज की राज माता जी को महल से बुला के अरे करुणा को भगाने के लिए घुरकने के लिए कह रहा है। करुणा का? हाँ करुणा कैसे कोरोना के लिए? कोरोना को भगाने के लिए घुरकने के लिए कह रहा है मास्टर। बाबू कोरोना से 3 महीना से वो पिछला ग्रीन रूम में चली। अरे बाल कखनो निकलिए बैठो के अलग अलग दूरी बनाओ दूरी बनाओ तब तोरो तोहनी दूरी बना के रखो। हम तो यहाँ से आइए मिलते इस राज की राज माता जी से। आहे दिलिया ताका अबरिया है भैया दे आप लगा रहे थे महाराज जी दरबार में आपको बुलाए हैं राज माता जी। क्या मेरा पुत्र राज दरबार में बुला रहे हैं जी? ठीक है महामंत्री, अगर मुझे गोपीचंद बुला रही है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से चलने की यात्रा करेंगे। मास्टर साहब चलिए सबसे पहले दरबार में मिलते महाराज से। एक दो तीन सारे तेरो मेरे लाल बेटा। हाँ बाप। अपने माँ को याद की है क्या बात है पुत्र? माँ हाल जो मैंने तुम्हें महल से सिंगरवार का बुलाया है। हाँ मेरे लाल बुलाने का यही कारण है माँ। क्या कारण है पुत्र? कि माँ आज सिंगरवार में इस नगर गुजरात में रहते रहते मुझे मन नहीं लग रहा है। क्या? हाँ माँ आज मैं सोचता हूँ कि सिंगरवार से जो कि आज मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा जो कि जंगल की ओर। क्या बेटी तुम शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे हो? हाँ माँ। नहीं पुत्र मैं तुम्हें जंगल का आदेश नहीं दे सकती हूँ मेरी लाल। यही तुम मुझे आदेश नहीं दोगे तो बताओ इस सिंगरवार में किस प्रकार से मैं रहूंगा? क्योंकि माँ तुम्हें तो मालूम है कि जिस बुचकार से इस सिंगरवार में मैं बरसों से अपना राज चलाती हुई आ रहा हूँ। इसी प्रकार से आज यदि तुम मुझे शिकार खेलने की आदेश देती हो तो मुझे अति सुंदर होगा। हे भगवान नहीं है मैं दिया बहुरे पे कर रहे हो मेरे लाल। हाँ क्षत्रिय का धर्म होते
जंगल शिकार खेलने के लिए अवश्य जाना चाहिए। ठीक है पोते, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ बेटा, जाओ तुम शिकार खेलने के लिए, लेकिन पूरा पश्चिम उत्तर उत्तरखंड खेलना, दक्षिण खंड नहीं खेलना शिकार पोते। हाँ मेरी लाल, मैं पूरा और पश्चिम दक्षिण खंड शिकार खेलूंगा, उत्तरखंड की ओर मैं कभी नहीं जाऊंगा। जाओ पुत्र शिकार खेलने के लिए। हाँ आज मैं यहाँ से जाऊंगा माँ, लेकिन जाने से पहले मैं महामंत्री के द्वारा ये अपना धनुष बाण मंगाऊंगा और उसके बाद यहाँ से मैं शिकार खेलने की यात्रा बना दूंगा। हाँ ठीक है बेटा। चुका हूँ लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से चलूंगा शिकार खेलने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं महामंत्री के द्वारा धनुष बाण मंगाऊंगा और उसके बाद शिकार खेलने के लिए प्रस्थान हो जाऊंगा। मैं इस वक्त चलता हूँ अपने सिंह द्वार की ओर और महामंत्री के द्वारा मैं अपना धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए चला जाऊंगा। सूचना है, हम सूचित करना चाहे ये अपने धनुष बाण लेकर अपने यहां से जंगल की यात्रा करता हूं। शिव की जंगल में शंकर में शिकार खेलूंगा, लेकिन मैं जब अपने मां से आदेश लिया, तुम्हारी मां का कहना होगा कि बेटा पूर्व और पश्चिम दक्षिण का शिकार खेल लाओ, उत्तर दिशा की ओर नहीं जाना, मैं चलता हूँ यहाँ से शिकार खेलने के लिए। आहो धारिए
चुका हूँ घनी वन जंगल में, लेकिन अब यहाँ से मैं सबसे पहले पूरब खंड की ओर शिकार खेलूं।